आज घर में 30,000 30 की शॉपिंग होके आ गई है गाइस। साहब इधर देखो गन्ना। सो हमारे दुकान में अंदर मीटर लगा हुआ था, बट यहाँ से अब हट के एक्चुअली हमारे दुकान का नया मीटर लग गया है, जो है डिजिटल मीटर। और एक्चुअली ये प्रीपेड मीटर होगा और इसकी एक एप्लीकेशन आएगी जिससे हमें पेमेंट करनी है। सो फाइनली लग गई आज। One hour later. सुनाओ, देखो मेरी दीवार से आवाज आ रही है, सुना तो मैं आज घर में 30,000 30 की शॉपिंग होके आ गई है गाइस। साहब इधर देखो गन्ना। सो मम्मी ने यहाँ पे सारी चीज़ों को धो करके यहाँ पे एक डलिया में रख दिया है। महताब है, नारियल है और ये फूल वगैरह सारी चीज़ें, खीरे वगैरह। सो मम्मी लेके इसे अभी नानी घर जाए। 2000 years later. गाइस बहुत दिनों बाद आज ओजस्वी महाराज हमारे घर पधारे हैं। एटलीस्ट तीन से चार महीने हो गए और उसके बाद आया है ये। बहुत कहने पर आया है एक्चुअली, वो अपने काम से आया है, मेरे काम से नहीं आया भाई साहब। सो वो देखो एक वॉच मंगवाया था ये, सो यही लेने के लिए अभी आया है। इसका नाम भाई ओजस्वी है, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। हम लोग 6 में मिले थे और आज तक हमारी भी दोस्ती जारी है। फटाफट से ये बॉक्स अनबॉक्स करता है। ओए सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता, जैसे आज 11 फरवरी, तुझे याद भी है इस तारीख को? अभी मेरे को खिलाएगा ये। सो ये भैया का एक छोटा सा शॉप है जो ऐसे नॉर्मली लेके चलते हैं, और ये जमशेदपुर टाटा का सामान है जो यहाँ बिहार से भी बेचते हैं। देखो अभी भैया ने दुकान शुरू ही की थी और हमारे दोस्त आके खा रहे थे बिना हमें पूछे। भाई मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई चलेगा चलेगा, ऑफ़र देता हूँ, बट ये नहीं दे रहे भाई साहब ऐसे है। और हंस कैसे रहा, दांत निकाल के इडियट। सो जो भी भैया के पास आएगा 5 रुपये डिस्काउंट, नाम ले लेना मेरा, सब्सक्राइब किया भाई। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। हम खाली सोच कर रहे हैं, बाकी सब उसको भेजे तो बाहर गए। जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सो ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, भैया फटाफट इसे डेकोरेट करेंगे, मतलब जो भी इनको मसाला वगैरह और ये मीठी चटनी डाल रहे हैं जो भी है। सो इसके बाद हम इसे मस्त इंजॉय करेंगे। और सच सच बता रहा हूँ, मैंने पहले भी भैया से खाया है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है भाई, बहुत ही प्यारा, कभी ट्राई करना। ये भैया वैसे वहाँ लगाते हैं टेलीफोन एक्सचेंज के पास और हॉस्पिटल मोड़ के पास भी। सो मस्त, अब मैं मज़े करता हूँ इनके साथ, पैसे तो खर्च होने ही है भाई के, बट जो है ऐसा ही है। 2 hours later. तो अभी मैं छोड़ जा रहा हूँ अपनी मम्मी को नानी घर यहाँ से फटाफट, और बहुत ही ज्यादा समय हो गया एक्चुअली, 8 बजने को है, और फटाफट से मैं छोड़ के आता हूँ। रूठी है सब तेरा रब्बा, दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा। तो बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा घर और फिर मिलता हूँ आपसे।
सो ये जो सामने का रोड दिख रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली। साइड में टूटे हैं और बीच में भी, तो मुझे वैसा उम्मीद है गाड़ी फंस जाएगी, बट देखो मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, फंस जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, वरना हम पार हो जाएंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए, अब ये अपना जाएंगे घर नानी के यहाँ। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि गाड़ी से आऊँ तो फिर वापस रिटर्न भी लेना है मुझे, और यहाँ गाड़ी लगाने का जगह नहीं है बिल्कुल। रोड देखो कंजस्टेड है यहाँ पे, और रोड्स टूटे फूटे हैं, तो मैं यहीं रहने वाला हूँ। फटाफट से मैं गाड़ी घुमाता हूँ और फिर चलता हूँ घर। मैं अभी घर ही आ गया था, मैं सोचा मम्मी को घर तक ही छोड़ आते, क्या दिक्कत है। सो मम्मी अभी यहाँ पे कर रही है पूजा, भगवान जी को लगाएगी टीका वगैरह। सभी लोग यहाँ बैठे हैं और भी आसपास के लोग हैं, ये मेरी मामी है, पीछे नानी है, और जो लोग हैं पीछे वो साइड में आसमानी साड़ी में मेरी छोटी मामी है। तो सारे लोग यहीं पे बैठे हैं, मम्मी अभी यहाँ पे भगवान जी को टीका वीका कर रही है, और इनका पूजा तो चलता ही रहेगा। सो ये थोड़ा सा मैं सोचा दिखा दूँ, इंडियन कल्चर है ये, इसकी वजह से मैं आ गया। और आप इंजॉय करो भाई, मैं अब सीधा चल रहा हूँ घर से। अभी घर ही आ गया था, बट अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिलहाल गाड़ी में, और चलता हूँ मैं वापस अब घर। मम्मी को ड्रॉप कर दिया, पूजा वगैरह हो रही है तो वो तो चलती रहेगी अपनी यार। सो आई हैव टू अनलॉक माय कार। सो फाइनली मैं कार में आ गया और अब यहाँ से निकलता हूँ। ऑलरेडी मैं घर आ गया हूँ और अब मैं फटाफट से गाड़ी पार्क कर दिया है। मैं देखता हूँ वहाँ के ढकूंगा, अभी मैं दुकान से चाबी लानी है, चाबी लेके फटाफट से घर चलता हूँ मैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है स्मित एंड आज का सीन ये है कि आज मैं शायद से डोमिनोज भी जाऊँ, क्योंकि हमारे दोस्तों ने प्लान बना रखा है कि डोमिनोज जाना है। सो आज डोमिनोज जाएंगे तो आपका फर्स्ट लुक देंगे कि कैसा है डोमिनोज का पूरा शॉप और रेस्टोरेंट वगैरह जो भी सीन है। और फिर अभी सुबह सुबह 8 बज रहे हैं और मैंने आपने देखा होगा कि कल मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन को छोड़ के आया था नानी के यहाँ से। सो मुझे अभी नानी के यहाँ जाना है और वहाँ से अपनी बहन को लेके आना है, उसका स्कूल है। सो वो स्कूल जाएगी। और आज भी मैं कॉफ़ी बनाया हूँ भाई, कॉफ़ी पीने का बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं। दूध गर्म हो रहा है यार, फटाफट से दूध गर्म हो जाए बस। कॉफ़ी तो रेडी हो गई है, बट मेरे वीडियोस के चक्कर में यहाँ पे थोड़ी दूध गिर गई है, अब मेरी मम्मी मारेगी मुझे, तो फटाफट से साफ करना पड़ेगा मुझे। सो गाइस, फाइनली मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, मैंने कंप्यूटर वगैरह सब बंद कर दिया है, और अभी मैं जाता हूँ भाई अपने बाल वगैरह कटवा के आता हूँ सही से। साइड में ना बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। फाइनली बाल कट तो हो गया, मैं यहाँ से फटाफट घर जाऊंगा और घर जाके शावर लेनी है। सो ये सारी चीजें करता हूँ मैं। 6.5 hours later। सो अभी मैं कोचिंग से निकल गया हूँ और अभी मैं डोमिनोज जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन रहता वहाँ। बाइक चलाते चलाते मैंने फ़ोन को अपने ऑडोमीटर पर रख दिया, सो ऐसे शूट हो रहा है सामने। वैसे आई डोंट नो कि वीडियो अच्छी नहीं आ रही, बट जो भी है लाइट की कमी है बस, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। सो मेरे फ़ोन का तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली आई एम राइडिंग बाइक राइट नाउ और मैं अपनी वीडियोज भी बना रहा हूँ, बट ठीक है यार, इतना करना पड़ता है, इतना नहीं करूँगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो चलो अब मैं सीधा तो मैं शॉप पर मिलता हूँ, डोमिनोज शॉप पर, ठीक है। सो अभी हम पहुंच तो गए डोमिनोज, बट एक पंगा हो गया है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ क्या पंगा हो गया है। मैं सोचा था आपको फर्स्ट लुक दूंगा, बट कोई नहीं, आप बाहर से फर्स्ट लुक ले लो, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बताता हूँ क्यों नहीं जाऊँगा। सो मैंने
मैंने अपने दोस्त को भी बुलाया था कि भाई साथ में चल लेंगे, बट अब तो नहीं जा सकते ना। अंदर देखो काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे डोमिनोज है और मैं अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली। सो अभी मैं घर जाऊँगा और मुझे बहुत सारा काम भी है। ये देखो ये पार्किंग, ये जो है डोमिनोज की बाइक्स वगैरह हैं, और जो यार ठीक है चलता हूँ मैं वापस घर। सो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है, इससे पहले मैंने खोल दिया बट कोई नहीं आप सारे ना। ये देखो पार्क एवेन्यू ग्रूमिंग गिफ्ट कलेक्शन फ्रॉम साइड मैन। सो इसमें देखो क्या क्या मिलता है। ये एक पार्क एवेन्यू का मॉइस्चराइजिंग सेविंग फोम जो कि मेरे काम के लिए है, और ये देखो एक डिओड्रेंट है ये अपने काम की है। ये बियर शैम्पू ये भी अपने काम की है, और सॉप ये भी हम यूज़ करेंगे। एंड सबसे प्यारा सबसे अच्छा चीज़ है भाई, अरे सॉरी लाइट आ रही होगी चमक रही होगी, बट ये मस्त चीज़ है भाई साहब। ये देख लो परफ्यूम है, ये है 260 रुपये की, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है बट जो भी है सही है परफ्यूम मस्त। सो मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा कैसा ये। गाइस मैं गया था डोमिनोज एक्चुअली, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही करूँ, मैं फिर अंदर नहीं गया। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने की भी कोशिश की ताकि मैं आपको बढ़िया शॉर्ट ब्रीफ में दे सकूं, बट कोई नहीं। और मैं देखो कल शायद पटना निकल जाऊं। सो आने वाले आगे के जितने भी ब्लॉग्स होंगे, जो भी ब्लॉग्स आप देखने वाले हो भाई सब फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि मैं और मेरे साथ 3 दोस्त और जा रहे हैं, तो हम 4 जने जा रहे हैं और वहाँ पर मस्ती करेंगे। और बहुत सारी चीज़ प्लान्ड भी है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम एक्चुअली संडे को है, बट हम पहले ही जा रहे हैं और हमने पापा से बात भी कर लिया और हमें परमिशन भी मिल गई है जाने की। सो आज ये ब्लॉग देख रहे होगे बस, तो 1-2 दिन बाद ही आएगा ब्लॉग, मतलब आई थिंक सो मंडे को अब सीधा ब्लॉग डलेगी, उसके लिए सॉरी। और आने वाले जो भी ब्लॉग्स हैं भाई सच में बता रहा हूँ बहुत ही प्यारा होगा, सो आप उसे मिस मत करना, ज़रूर देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।